एरिया बिटवीन कर्व्स और एरिया अंडर अ कर्व, ये दोनों स्टेटमेंट को जरा क्लियर कर दें। बिटवीन कर्व्स का मतलब हम कोई दो कर्व देंगे और एक ऐसा रीजन का बात कर रहे होंगे जो एनक्लोज्ड हो बाय दोज टू कर्व्स, वो एरिया को कहेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। और एरिया अंडर अ कर्व, कोई एक कर्व बना दिए तो जब हम एरिया अंडर अ कर्व बोलेंगे तो लिमिट्स देंगे x इक्वल टू एक्स वन से लेकर के x इक्वल टू एक्स टू के बीच में निकालिए एरिया अंडर अ कर्व, एक कर्व देंगे ये कर्व, और मीन कर रहे होंगे ये दो वर्टिकल लाइंस, ये कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है, यानी हम ये वाला एरिया को मीन कर रहे होंगे जब बोलेंगे एरिया अंडर अ कर्व बिटवीन x इक्वल टू एक्स वन टू x इक्वल टू एक्स। दोनों में बड़ा अंतर है, ये एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसका एरिया निकालते वक्त हम लोग y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय dx, हम इसको पतला पतला वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे एरिया निकालने के लिए, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। और कोई भी पोजीशन पे जो स्ट्रिप है वर्टिकल स्ट्रिप, इसके ऊंचाई को अगर हम y कहें, जो कि हमको मालूम है, अगर इस कर्व का इक्वेशन मालूम है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जो ग्राफ का हाइट है y कोऑर्डिनेट, इट इज नोन एज अ फंक्शन ऑफ x, y विच इज नोन एज अ फंक्शन ऑफ x को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस एलिमेंट वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकलता है, और इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग फ्रॉम x इक्वल टू एक्स वन टू x इक्वल टू एक्स टू, यहां से लेके वहां तक हर वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया को ऐड कर रहे हैं, तो एरिया सबका अलग अलग है, ऐड करके निकल जाएगा टोटल एरिया। अब ये y का वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव, तो ये जो ऐड करेगा ना तो अपने आप इन एरियाज को वो प्लस साइन के साथ और इस रीजन के एरिया को माइनस साइन के साथ और फिर प्लस साइन के साथ ऐड करके बताएगा, यानी इस रीजन का जो एक्चुअल एरिया है अगर वो 2 स्क्वायर यूनिट्स है और इस रीजन का एरिया अगर 3 स्क्वायर यूनिट्स है और इस रीजन का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट्स है यहां से यहां तक, तो ये जो रिटर्न करेगा हमको वो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन करते वक्त बता चुके हैं कि वो रिटर्न करेगा 2 - 3 + 5 रिटर्न करता है, यानी 5 + 2 = 7 - 3 = 4 स्क्वायर यूनिट रिटर्न करेगा आंसर, 2 + 3 + 5 नहीं रिटर्न करता। तो अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है वो अगर इतना अधिक लटका हो कि दोनों के पॉजिटिव वैल्यू से अधिक हो नेगेटिव वाला एरिया तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है, लेकिन एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स उसको देखिए निकाल के कैसे निकालना है। यहां एक चित्र बनाए हैं हम, कोई दो कर्व बनाए हैं, एक y बराबर एफ एक्स, यानी इस कर्व का जो हाइट्स है डिफरेंट डिफरेंट x के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट वो निकालने के लिए कोई अलग फंक्शन दिया है फंक्शन ऑफ x, और इस ग्राफ का जो हाइट है वो सम अनदर फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है, तो हमको ये एरिया निकालना है इन बिटवीन द टू कर्व्स। तो हम उसी तरीके से सोचे हैं, पतला पतला वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे dx dx चौड़ाई का, कोई एक एलिमेंट स्ट्रिप हम चित्र में दिखा रहे हैं पोजिशन x पे, तो ये वाला ऊंचाई y1 है और ये वाला ऊंचाई को y2 कहें, दोनों हमको मालूम है, y1 भी मालूम है एज अ फंक्शन ऑफ x चूंकि दिया हुआ, और y2 ऊंचाई भी मालूम है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, तो y2 माइनस y1 ये होगा हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय विथ, ये हो गया उस स्ट्रिप का एरिया dA, इसी को इंटीग्रेट करेंगे
x इक्वल टू x1 से लेकर के x इक्वल टू x2 तक का सब स्ट्रिप अलग अलग हाइट का है। अब हाइट ये है और ये हमेशा जब आप लिखेंगे तो ऊपर वाला कर्व का y कोऑर्डिनेट माइनस नीचे वाला कर्व, इन दोनों कर्व में कोई तो होगा ना जो ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना है ऑलवेज, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये ग्राफ ऐसा भी होता बना हुआ इस तरह से हो तो भी आप इस वर्टिकल स्ट्रिप का जब लंबाई निकाल रहे होते तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई टू और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन कर रहे हैं आप, तो एक पॉजिटिव नंबर है। चेक करके देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव नंबर है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स जब आप निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा, वो एक्चुअल एरिया निकल जाता है। लेकिन एरिया अंडर अ कर्व निकालेंगे तो जिस तरह से हम डिफाइन किए हैं एरिया अंडर अ कर्व को बिटवीन द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट्स, जो रीजन बाउंडेड दिख रहा है उस एरिया को कह रहे हैं एरिया अंडर अ कर्व, तो दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालना हो तो हम वर्टिकल स्ट्रिप में बांटने के बजाय हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में भी बांट सकते हैं। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का चौड़ाई को डी वाई कह लें, डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई, तो अगर उसका ये वाला एंड का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स वन कहें विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई, अगर वाई ऊंचाई पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिख रहा है, अलग अलग ऊंचाई पे जो स्ट्रिप होगा उसका अलग अलग लंबाई होगा, इस एंड का दूरी x1 है x कोऑर्डिनेट और उस छोर का x कोऑर्डिनेट अगर x2 है, तो अब x2 जो राइट है उतना माइनस जो लेफ्ट है, x2 जो कि एज अ फंक्शन ऑफ y माइनस इस ग्राफ यानी y ऊंचाई पे अगर दो पॉइंट लें एक इस ग्राफ पे एक इस ग्राफ पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस उसका x कोऑर्डिनेट, इसको मल्टीप्लाई कर दें dy से और इस बार y वेरीज फ्रॉम y1 टू y2, इस ऊंचाई से लेके उस ऊंचाई तक का सारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया को ऐड करना है, तो y वेरीज फ्रॉम y1 टू y2, इस तरह से भी हम एरिया को निकाल सकते हैं। कई बार करेंगे हम एरिया निकालने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटने के बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में बांटेंगे, वही ज्यादा कन्वीनियंट होगा बहुत बार। बस इतना ही है एरिया बिटवीन कर्व्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग सवाल बनाएंगे, दो कर्व का इक्वेशन दिया है y बराबर एक से स्क्वायर एंड x बराबर ए वाई स्क्वायर, यहां a एक पॉजिटिव नंबर है सवाल में लिखा है और कहता है कि इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स, चित्र बनाने पे दिखेगा ये ग्राफ है y बराबर एक से स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला होगा जिसका मुंह अगर a पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ कंकेव होगा अपवर्ड, a नेगेटिव होता तो ऐसा ग्राफ बनता, और x बराबर ए वाई स्क्वायर ये ऐसा पैराबोला बनेगा x और y को इंटरचेंज कर देने से। ग्राफ बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, अगर कोई ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, हम कहें x बराबर एफ ऑफ y का ग्राफ बनाइए, वही रेफरेंस फ्रेम, तो अब y बराबर x लाइन खींच के और उसमें आप उसका मिरर इमेज ले लीजिए, वही ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ में खाली x और y के पोजीशंस को चेंज कर दिया गया है। ये देखिए ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ में जब बनाइएगा तो वो x बराबर जीरो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा,
पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट सेम आता है इस रिलेशन के चित्र में। एक्स की जगह प्लस टू पे वाई का वैल्यू वही आएगा जो एक्स इक्वल टू माइनस टू डालने पर आएगा। और ये वाला जो रिलेशन है इसमें वाई का वैल्यूज अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्स ले लीजिए तो वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर एक्स बाई ए, एक्स बराबर टू ए लिखते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो वाई का दो वैल्यूज होगा वो प्लस माइनस रूट टू होगा ऊपर नीचे। और इसमें अगर हम वाई का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें तो एक्स का दो वैल्यूज आएगा। तो इसका ग्राफ बनता है सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस और इसका ग्राफ बनता है सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। तो दो ग्राफ बना दिए, यही रीजन का एरिया निकालने बोल रहा है। नहीं, क्वेश्चन सेज ये एरिया 1 square unit के बराबर है अगर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इफ एरिया इक्वल्स 1 फाइंड ए, दैट इज द क्वेश्चन। हमको पहले इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स का। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ऐसा एक जोड़ा नंबर खोजेंगे एक्स और वाई की जगह जो दोनों को सेटिस्फाई करता। तो हम सोचे हैं यहां से एक्स का वैल्यू वाई ए टाइम्स वाई स्क्वायर इसमें डाल दीजिए, वाई बराबर ए टाइम्स ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए क्यूब टाइम्स वाई टू द पावर 4। एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, y क्यूब बराबर 1 बाई ए क्यूब, y बराबर 1 बाई ए, एक जीरो भी आएगा अगर हम इसी क्वेश्चन में y को एक तरफ ले जा करके लिखते हैं, ए क्यूब y 4 माइनस y बराबर 0 और y कॉमन लेते हैं ए क्यूब y क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो इट वॉज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका दो सॉल्यूशन है, एक y बराबर 0 जो हम बोले दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने से क्या दिक्कत हो रहा था कि एक सॉल्यूशन आप मिस कर जा रहे हैं, तो अभी हम कैंसिल नहीं किए, y बराबर 0 और y बराबर 1 बाई ए। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 बाई ए और x कोऑर्डिनेट अब किसी एक में डाल दीजिए y के जगह 1 बाई ए, तो x कोऑर्डिनेट a टाइम्स 1 बाई ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 बाई ए कॉमा 1 बाई ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब हम एरिया निकालने के लिए सोचे हैं कि वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे, किसी भी पोजीशन एक्स पे इस ग्राफ का ऊंचाई चाहिए, इस ग्राफ का इक्वेशन ये है। तो वाई बराबर इक्वेशन को लिख रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो उसको हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए, हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि हम ऊपर में इस पॉइंट को नीचे है द सेकेंड पॉइंट, सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे देर आर टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, टू डिफरेंट वाई कोऑर्डिनेट्स, हम ये वाला चाहिए था दिस, और एक्स पोजिशन पे ये वाला ग्राफ का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये उसका इक्वेशन है। तो वाई बराबर है ए एक्स स्क्वायर, तो वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया रूट अंडर एक्स बाई ए माइनस ए एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस इक्वेशन को, दिस हाइट माइनस दिस हाइट। तो उस ग्राफ का इक्वेशन को भी लिखना होगा वाई बराबर के रूप में सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम लिखे रूट अंडर एक्स बाई ए प्लस ले लिए क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट चाहिए, और इस ग्राफ का भी हमको इक्वेशन लिखना होगा वाई बराबर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी दिया है, तब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ये एक एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया का एक्सप्रेशन लिख लिए। और अब एक्स बराबर कितना से एक्स बराबर कितना तक ऐड करना है, तो जीरो से लेके 1/a तक, और ये इक्वल टू सवाल के अनुसार दिया हुआ है 1 होना चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सब समाप्त, तब सिंपल खाली इंटीग्रेशन करना है।
इसको वन बाई रूट ए ले ले, रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर हाफ का एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू बटे थ्री बाई टू माइनस ए टाइम्स एक्स क्यूब बाई थ्री, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का जीरो से वन बाई ए इक्वल टू वन। एक्स के जगह वन बाई ए डालें, वन बाई ए टू दी पावर थ्री बाई टू डिनोमिनेटर में इंटू ए टू दी पावर हाफ डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, टू बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए क्यूब ए से कैंसिल होकर के वन बाई थ्री ए स्क्वायर, अभी हम एक्स के जगह वन बाई ए डाले, टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस, अब एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये सवाल के अनुसार वन होना चाहिए। अब हम ए का वैल्यू प्लस और माइनस वन बाई रूट थ्री, लेकिन सवाल में लिखा है कि ए यहां एक पॉजिटिव नंबर है, तभी तो ग्राफ हम ऐसा बनाए और इसका ग्राफ ऐसा बनाए, एक पैराबोला बनाए कंकेव अपवर्ड और ये एक पैराबोला बनाए कंकेव राइटवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ए नेगेटिव नंबर होता तो पैराबोला ऐसे बनाता, यहां ए नेगेटिव होता तो पैराबोला ऐसे बनाता। तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसी पे डिपेंड करता है ग्राफ का शक्ल। क्वेश्चन हैड मेंशन टेक ए टू बी अ पॉजिटिव नंबर, तो हम एक आंसर टेक करें। एरिया निकालना है, एक रीजन का एरिया निकलता है तो उसका बाउंड्रीज को हमको डिफाइन करना होगा, तो डिफाइन किए। एक ऐसा रीजन का बात कर रहा है जो इन तीनों कर्व से घिरा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक कर्व हुआ, ये वाला पैराबोला वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर एक्स मतलब वाई बराबर प्लस और माइनस रूट एक्स, वाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये होता है। एक्स बराबर वन पे रूट वन, टू पे रूट टू, और वाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स का ग्राफ, ऊपर वाला हिस्सा भी और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे वाला हिस्सा भी, तो एक कंप्लीट पैराबोला बनता है। देयर इज डिफरेंस, वाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ बोले बनाने तो सिर्फ ऊपर वाला, वाई बराबर माइनस रूट एक्स का ग्राफ बनाने बोले डाल के देखिए ना, इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक्स बराबर जीरो y बराबर जीरो x बराबर वन y बराबर माइनस वन x बराबर टू y बराबर माइनस रूट टू x बराबर थ्री y बराबर माइनस रूट थ्री। आज जब हम बोले इस फंक्शन के बारे में तो इसका मतलब कंप्लीट, एक पैराबोला बनेगा, माउथ उसका जो है मुंह पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुला होगा, यही यहां पे हम अगर माइनस साइन कर देते तो मुंह इधर खुल जाता। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका हम चित्र बना रहे हैं, x बराबर जीरो लिखें, y इंटरसेप्ट ढूंढ रहे हैं तो y इंटरसेप्ट माइनस तीन बटे दो यहां कहीं, और y बराबर जीरो डालिए तो x बराबर तीन, तो माइनस तीन बटे दो और उसका दुगुना कर देते हैं तीन, इस तरह का एक ग्राफ बन गया। ये है ये वाला इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को y बराबर x माइनस थ्री बाई टू लिख रहे हैं, इस ग्राफ के इक्वेशन को y बराबर रूट एक्स लिख रहे हैं, इस पोर्शन को पूरे को नहीं। हमसे पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस स्ट्रेट लाइन और ये कर्व, ये रीजन का एरिया निकाल। तो हम इसको बनाने के पहले हमको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स सारा चाहिए, इसका भी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। ये वाला ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है y बराबर एक्स माइनस थ्री बाई टू, और ये वाला ग्राफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम यहां x की जगह y स्क्वायर डाल दें और एक ही क्वेश्चन ले आए, y स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, इस पॉइंट का हमको y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा,
दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, ये लाइन और ये कर्व, एक यहां और एक यहां, तो दो आंसर आएगा हमको पॉजिटिव वाले वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है। आप फिर उस वाई कोऑर्डिनेट को डाल के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वाई बराबर 2 ± √4 + 12 16 का square root 4 / 2 2 − 4 − 2/2 and 3। ये 3 है y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट -1, हमको इसी से मतलब है। इनफैक्ट सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है। अब हम डाल दें इसमें y की जगह 3, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 9, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 9, 3। इससे मतलब नहीं है, इसलिए नहीं निकाल रहे। अब ये एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे प्लान करें। हम सोचे हैं कि इस पैराबोला के अंडर का एरिया निकाल लें यहां से वहां तक ये, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा प्लान किया। ये एक तरीका हुआ, तो हम ये ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, ये चौड़ाई 6 है और ये ऊंचाई 3 है, यहां से इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट 9 square units। और इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया वो आसान है, वर्टिकल स्ट्रिप से बांटिएगा तो हर स्ट्रिप का हाइट रूट एक्स होगा, एक्स पोजीशन पे हाइट रूट एक्स, इसका वाई कोऑर्डिनेट रूट एक्स, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर एंड है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो रूट एक्स माइनस 0 यानी रूट एक्स टाइम्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 9, इतना -9, यही आंसर होगा। एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल x^3/2 2/3, इतना -9, 0 to 9 -9। x की जगह 9 डालें, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, और 3 का क्यूब लेंगे तो 27, 27 को 3 से काटेंगे तो 9 × 2 = 18, 0 डालेंगे तो 0, -9 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। कोई दूसरा विद्यार्थी ऐसे सोच सकता था कि हम यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेते हैं, रूट एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर लें एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 3 तक, और अब यहां से वहां तक का एरिया को ऐड करें। ये एरिया निकालने के लिए वो रूट एक्स माइनस इतना, इस पॉइंट का जो हाइट है वो रूट एक्स है, और इस पॉइंट का हाइट हम इसीलिए लाइन के इक्वेशन को इस रूप में लिख लिए, तो ये स्ट्रिप का एरिया हो गया रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 3/2 टाइम्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स इक्वल टू 3 टू एक्स इक्वल टू 9, यहां से वहां तक का एरिया, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। ये स्मार्ट नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, स्मार्ट यही है, बट मालूम होना चाहिए सारा विकल्प कि हम क्या क्या गलती भी कर सकते हैं वो मालूम होना चाहिए। तरीका तीसरा, हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में बांट दें। कोई एक स्ट्रिप दिखाए हैं वाई ऊंचाई पे डी वाई थिकनेस का, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो इस स्ट्रिप का जो एक्सट्रीम राइट है वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बराबर 2y + 3 है, इस छोर का वाई एक्सिस से दूरी 2y + 3 है, और इस छोर का दूरी इसी इक्वेशन को x बराबर में लिखना है 2y² है, तो ये दूरी है y² y ऊंचाई पे y² दूर है ये पॉइंट, और ये पॉइंट 2y + 3 दूरी पर, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा 2y + 3 − y² × dy। यहां से वहां तक जितना भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना सबको कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, हर स्ट्रिप का एक छोर इस लाइन पे है और एक छोर इस तरफ पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी की है, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए इंटू डी वाई, और ये लंबाई वेरिएबल है, कभी कम कभी बेसी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वाई वेरीज फ्रॉम 0 हाइट से लेकर के 3 हाइट तक, ऐसे निकाल लीजिए। आंसर सेम आना ही है सब तरीकों से, इनमें से सबसे स्मार्ट तरीका यही है, बट दी अदर मेथड शुड बी नोन, तब ना आप कभी गलती कीजिएगा तब ना अप्रिशिएट कीजिएगा कि हाँ अरे इससे तो बढ़िया था कि हम ये कर लें।
एक पैराबोला का एक क्वेश्चन दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ हम सब जानते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही शक्ल रहेगा, थोड़ा पचक जाता है क्योंकि अब y कोऑर्डिनेट्स अधिक अधिक हो गया और द सेम पोजिशन x, अब y कोऑर्डिनेट्स अधिक हो गया तो पचक जाता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पलट भी जाता है, और अगर आप इसमें कुछ लीनियर टर्म्स ऐड कर देते हैं ax स्क्वायर में तो भी ग्राफ यही होता है शक्ल का, केवल अपने स्थान से घसक जाता है, यानी अब y बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का ग्राफ कहेंगे बनाइए, तो ये ग्राफ का शक्ल y बराबर 2x स्क्वायर पैराबोला का ही होगा, लेकिन वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे कॉन्साइड नहीं करेगा, अपने स्थान से कुछ शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा वो हम लोग जानते हैं, माइनस बी बाई टू एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए, इस ग्राफ पर का हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट करेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी शिफ्ट करेगा इतना इतना मात्रा से, सारा ग्राफ ही घसक है। तो हम लोग अगर इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए बी और सी दिख रहा हो तो माइनस वन बाई फोर पे वर्टेक्स चला जाएगा, 0,0 में ऐड कर दीजिए इन नंबर्स को, वहीं चला जाएगा और बाकी सारा पॉइंट भी उतने उतने मात्रा से घसक जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए, डिस्क्रिमिनेंट इज डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 41 हो गया, बी स्क्वायर इज 1 प्लस हो जाएगा 41 बाई फोर ए, यानी कि इसका ग्राफ कहें कि बनाइए तो पहले 2x स्क्वायर ग्राफ को बना लीजिए और वर्टेक्स को घसका के 1 बाई फोर यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 41 बाई 8 यूनिट्स डाउन, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ग्राफ बताते वक्त हम ये काम नहीं करें, ग्राफ बनाते वक्त तो हम लोग इसका शक्ल समझ जाएंगे कि पैराबोला है मुंह ऊपर वाला, और सिर्फ लोकेट करेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ये नहीं करेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकेटिंग x एंड y इंटरसेप्ट, x के जगह 0 डाल दीजिए तो y इंटरसेप्ट माइनस 5, यानी y एक्सिस को यहाँ कट करेगा, और y के जगह 0 डाल करके अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए तो x का दो वैल्यूज आएगा अल्फा बीटा, कुछ मार्क कर लीजिए अल्फा बीटा, और तब आप ग्राफ तैयार हो जाता है, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ पे अभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो हम लोग लास्ट में वही माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, डी एक्स इंटरसेप्ट एंड डी वाई इंटरसेप्ट, वो लोकेट करके ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ही रिमाइंड करा रहे हैं आपको कैसे हम लोग बनाते थे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। तो अभी सवाल में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, यानी कि इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा मुंह पर, इस ग्राफ पे कहता है कि एक पॉइंट है 1,1 इस ग्राफ पे, यानी x के जगह 1 डालिए और y के जगह 1 सेटिस्फाई करें, 1 डालिए 1 ऑलरेडी कर रहा है, शुरू में ऐसा हमको लगा कि इसको डालने से b का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं लेकिन नहीं निकल रहा है, 1 डालने पर 1 यहाँ 1 राइट हैंड साइड 1 लेफ्ट हैंड साइड 1 = 1, कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है इन बी जिससे कि बी का वैल्यू निकाल सके, तो कह रहा है कि 1,1 एक पॉइंट है इस ग्राफ पे, वहां पे टेंजेंट बनाना है टू दी ग्राफ, अब वो टेंजेंट जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां कट करता है एक ट्रायंगल बनता है, वो ट्रायंगल कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बनता है, दिस कर्व पे टेंजेंट एट दिस पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो और लाइन, दो लाइन और एक तीसरा लाइन, तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल इज फॉर्म इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सवाल कह रहा है। अच्छा, तब तो इसका मतलब है कि पैराबोला का शक्ल कुछ इस तरह का होगा, 1,1 पॉइंट पे टेंजेंट बनाए और वहां पर जो टेंजेंट बना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया, एक ट्रायंगल बना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो तभी संभव है
और किसी तरह का पैराबोला नहीं बन सकता है। अगर आप किसी भी और तरह से पैराबोला बना के देखिए, संभव नहीं है। आप मान लीजिए कि ऐसा बना लिए, सपोज कीजिए 1,1 यहाँ है, अब टेंजेंट बनाइएगा तो ऐसा बनेगा, वो कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल नहीं लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए टेंजेंट को इस तरह से होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप टेंजेंट का अगर है तो वो पैराबोला के डिक्रीजिंग पार्ट पे ही हो सकता है। जो इंक्रीजिंग पार्ट है इस पे कहीं भी टेंजेंट बनाइएगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव होगा। यानी हम सबसे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल करके अगर एक ट्रायंगल बनाना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और कोई तरीका नहीं है तो टेंजेंट को होना ही पड़ेगा नेगेटिव स्लोप का। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि उसके डिक्रीजिंग पार्ट पे ही कहीं पे होना चाहिए। तो इसीलिए ग्राफ का शक्ल हम समझ गए कुछ ऐसा होगा, यहां कहीं 1,1 होगा, इस शक्ल का होगा। ये समझ पाने के लिए ही बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये एरिया कहता है कि 2 square units है अगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हाँ, इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट कम है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व स्केचिंग ज्यादा है। ऐसे भी जितना भी एरिया बिटवीन कर्व्स का सवाल देंगे ना, तो सब सवाल में आपको कर्व को एक्चुअली में स्केच करना होगा। कभी पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कभी सर्कल होगा, कभी एलिप्स होगा, कुछ कुछ होगा। तो एवरी टाइम यू शुड बी इन अ पोजिशन टू स्केच द कर्व, नहीं तो नहीं बना पाएंगे सवाल। चलिए अब इस ग्राफ पे टेंजेंट का हम इक्वेशन लिखेंगे एट दिस पॉइंट। अब वो जाके जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा वो दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तब इस एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे हाफ दिस इनटू दिस ट्रायंगल का एरिया, उसको इक्वेट करेंगे विथ टू, तब जाके इक्वेशन बनेगा इन बी, सॉल्व करके बी निकालेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y-1 = slope (x-1). स्लोप चाहिए, स्लोप कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव से निकलता है स्लोप। हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 2x + b, एट x = 1 चाहिए स्लोप, तो इस एक्सप्रेशन में x के जगह 1 डालिए, 2 + b स्लोप हो गया और देयरफॉर हमको इस लाइन का इक्वेशन निकल गया y-1 = 2 + b (x-1). अब हम x और y इंटरसेप्ट निकाले, इस पॉइंट को p कहें, इस पॉइंट को q, p का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, p का x कोऑर्डिनेट 0 है तो q का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, डाली 0 तो y = 1 - 2 + b which is -1 - b आया, q का y कोऑर्डिनेट आया -1 - b। वो चिंता मत कीजिए, ये पॉजिटिव नंबर होना ही चाहिए। अब वो तभी होगा जब -b - 1 पॉजिटिव कब होगा, जब b + 1 नेगेटिव होगा, यानी कि b जब -1 से छोटा नंबर होगा तभी पॉजिटिव होगा। हाँ, हम लोग सॉल्व करते वक्त b का वैल्यूज कुछ आएगा, मे बी 1 से ज्यादा वैल्यूज आए, तो वहां हम लोग समझ जाएंगे कि b का कौन वैल्यू हमको चुनना है। वैल्यू ऑफ b has to be less than -1। और p का कोऑर्डिनेट्स निकाले हम, p का x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो y की जगह 0 डालिए और x कोऑर्डिनेट निकालिए, x बराबर इसको डिवाइड कर दीजिए -1 / 2 + b, अब +1 ऐड कर दीजिए, तो ऊपर में चला गया 2 + b - 1 यानी 1 + b / 2 + b, 1 + b / 2 + b, इसको हम b + 2 लिख रहे हैं, अब b + 1 लिख रहे हैं, इसको -b + 1 लिख रहे हैं। b + 1 एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा।
अब बी प्लस वन अगर नेगेटिव हो गया इसको भी पॉजिटिव होना है, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब बी प्लस टू फिर नेगेटिव हो, तब ना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी बी का वैल्यू लेस देन माइनस वन एंड बी का वैल्यू लेस देन माइनस टू, यानी दोनों कलेक्टिवली पॉजिटिव हो, ये एक्सप्रेशन भी और ये एक्सप्रेशन भी दोनों पॉजिटिव हो, ये तभी संभव है जब बी का वैल्यू माइनस टू से छोटा हो, तब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। तो हम इस बात को कहीं अलग जमा करके रख ले रहे हैं ताकि अगर हमको बी का वैल्यू एक से अधिक आया, फिर से यहां लिख रहे हैं बी प्लस वन को नेगेटिव होना अनिवार्य है सवाल के कंडीशंस को सेटिस्फाई होने के लिए, एंड बी प्लस टू के वैल्यू को भी नेगेटिव होना अनिवार्य है। अब इस एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम वही कर रहे हैं जो सवाल बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि इस ग्राफ पे 1.1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स और वाई एक्सिस को जहां कट करता है वो मिल करके एक ट्रायंगल बनाता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम ये चित्र नहीं बनाते तो हाथों भी कोई दिक्कत नहीं, हम स्ट्रेट अवे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है बन रहा है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इस चित्र से कोई लेना देना नहीं था, ये चित्र बनने से ये साबित होता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। आप स्ट्रेट अवे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते, उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट ढूंढते और ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये भी पॉजिटिव होना चाहिए कंडीशन लिखिए, ये पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव, और अब ये पॉजिटिव तब होगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव बोल रहे हैं आपके होना चाहिए, तब इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, तब ना मिलके पॉजिटिव। सो द डायग्राम वाज नॉट रिक्वायर्ड हियर। और अब एरिया लिखना है, एरिया तो सिर्फ एक ट्रायंगल का लिखना है, एरिया होगा हाफ मॉड ऑफ दिस बी प्लस वन बटे बी प्लस टू इंटू मॉड ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है मोड हटा दें, ऊपर में मोड ऑफ बी प्लस वन इंटू मोड ऑफ बी प्लस वन को तो बी प्लस वन का स्क्वायर लिख दें, हम मोड हटा देते हैं, हाँ बिल्कुल हटा दीजिए, एज लॉन्ग एज आप इस बात को याद रखे हुए हैं कि बी प्लस टू एक नेगेटिव नंबर है, अब आप मोड हटा सकते हैं, मोड हटा करके क्या लिखेंगे माइनस ऑफ बी प्लस टू, और अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको स्वतः बी का वैल्यू आ जाएगा सही, मल्टीप्लाई करें तो बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स बी प्लस टू, एड करें इतना बराबर शून्य, बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी फोर बी प्लस टू बी प्लस वन प्लस एट नाइन, b बराबर माइनस सिक्स प्लस माइनस 36 माइनस 36 बटे 2 माइनस 3, b का वैल्यू स्वतः आ गया एक नंबर जो माइनस 2 से भी छोटा होना चाहिए। एक रीजन को हम डिफाइन कर दिए हैं, रीजन को डिफाइन किए हैं, कोई भी रीजन जो है वो कुछ पॉइंट्स को घेर करके बनता है एक रीजन, उस भी हर पॉइंट एक जोड़ा नंबर से रिप्रेजेंट होता है एक्स कॉमा वाई, तो हम एक रीजन को डिफाइन किए हैं एज सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट the y coordinate of those points is less than or equal to itna and greater than or equal to itna. Agar ye graph hai y barabar x, ye graph ka naam hai, ka matlab kya samajhte hain aap, ispe jitna bhi point hai uska x coordinate agar x hai to y coordinate bhi
एक्स के बराबर है। इस रीजन के ऊपर जो पॉइंट्स होगा उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते इस लाइन के ऊपर, तो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन एक्स अगर ऊपर वाले पॉइंट्स का बात करें। अब कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो इस रीजन में जितना भी पॉइंट्स है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है उनका वाई कोऑर्डिनेट 2 से अधिक होगा। इस लाइन पे जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, जितना भी पॉइंट्स इस लाइन पे नीचे है उसके लाइन से उनका वाई कोऑर्डिनेट लेस देन द एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इस पूरे रीजन को हम डिफाइन करते हैं वाई लेस देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स। कोई एक ग्राफ बनाए हम, इसका नाम है y बराबर f of x। तो अगर हम इस रीजन का पूछें कि किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो ये रीजन को कहेंगे y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन f of x और इस रीजन को y इज लेस देन f of x। तो हम लोग को ये भाषा समझ में आता है कि नहीं, उसी का टेस्ट है। आपको पहले तो रीजन समझना होगा, तब अब यहां y लिखा है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड लेस देन इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। एक्चुअली देयर आर टू ग्राफ्स, fx ग्राफ y बराबर fx, इस ग्राफ के जितना भी पॉइंट्स है उनका y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू f ऑफ x और ये ग्राफ का इक्वेशन है y बराबर g ऑफ x। तो इस रीजन में लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स है उनका y कोऑर्डिनेट f of x से अधिक लेकिन g of x से कम, यही लिखा है। तो सरल शब्दों में देखिए तो आपको एक ग्राफ बनाना है ये और एक ग्राफ बनाना है ये, अब वो दोनों के बीच में जो रीजन है बाउंडेड उसी का एरिया निकालने बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ लेट अस प्लॉट द टू ग्राफ्स। ये है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 3, ये ग्राफ है मोड ऑफ एक्स प्लस 3 का, हम 3 यूनिट्स लेफ्ट घसका दिए। अब हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है, आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स प्लस 3 को तोड़ दीजिए, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। रूट लेना है, रूट ऑफ इतना रूट ऑफ, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ जो रूट एक्स का ग्राफ बना लेगा ये है रूट एक्स का ग्राफ। रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना है इसको 3 यूनिट्स के लेफ्ट घसका दीजिए, ये है ग्राफ। ये ग्राफ हम बना दिए हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ वो इसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा ऐसे। ये फंक्शन जो है वो इवन सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू माइनस 3। ये कैसे हम समझ सकते हैं, अगर हम इस फंक्शन को एफ एक्स कह लें और f of माइनस 6 माइनस x का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी x के जगह हम माइनस 6 माइनस x डाल रहे हैं। देखिए अभी फंक्शन सिंप्लीफाई कैसा होगा, माइनस 6 माइनस x प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस x का मॉड है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए एंड मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 इट रिड्यूसेस टू द सेम फंक्शन। तो हम लोग ये सीखे हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स अगर सेम फंक्शन हो, यानी एक्स के जगह अगर आप ए माइनस एक्स डाले, फंक्शन को सिंप्लीफाई किए और फंक्शन अनचेंज्ड रह गया, तो आप इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स इक्वल टू ए बाई 2 लाइन के अबाउट इवन सिमेट्रिक है। तो आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाना था तो वो x इक्वल टू माइनस 3 लाइन के अबाउट इवन सिमेट्रिक, क्योंकि ये फंक्शन इवन सिमेट्रिक था
तो इसीलिए इस फंक्शन का ग्राफ भी सिमेट्रिक होगा। तो हम अभी एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, x इक्वल टू माइनस थ्री के अबाउ सिमेट्रिक, और दूसरा फंक्शन का ग्राफ तो बड़ा सिंपल है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, y बराबर 1/5 टाइम्स x प्लस 9, x के जगह जीरो डाल दीजिए तो 9/5 इसका y इंटरसेप्ट होगा, और y के जगह जीरो डाल दीजिए तो x बराबर माइनस 9, यहां पे कहीं होगा माइनस 9, और 1/5 कहां है देखना होगा, इसलिए ये वाला y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। इसमें x के जगह जीरो डालिए तो y इंटरसेप्ट रूट 3 आता है 1.732, और इसमें x के जगह जीरो डालिए तो 9/5 आता है 1.8, तो थोड़ा ऊपर है इस। यहां इस तरह अभी जो चित्र बनाए हैं उसमें एक परेशानी दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रीजन खोजना है जो इस ग्राफ से ऊपर और उस ग्राफ से नीचे वाला रीजन। तो इस ग्राफ से, ये ग्राफ मतलब ये पूरा ग्राफ, इससे ऊपर और इस लाइन के नीचे। तो अभी जो चित्र दिख रहा है उसमें तो ये अनंत दिख रहा है, अब तो रीजन डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि एक तरफ खुला है। तो परेशानी इसी से हो रहा है हमको। तो हो ना हो ये ग्राफ और ये ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो उस बात को हम लोगों को निकाल के देख लें। हम ये जो टुकड़ा है इसका इक्वेशन रूट एक्स प्लस थ्री लिखे हैं, और इस टुकड़े का इक्वेशन रूट माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री होगा। इसका जरूरत हम लोग को नहीं पड़ने वाला है, या शायद देखिए यहां पे कुछ है जरूरत पर। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जरा ढूंढते हैं, इसका और इसका। तो हम इक्वेट करते हैं 1/5 टाइम्स एक्स प्लस 9 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। वैसे तो एक सॉल्यूशन दिख रहा है x बराबर 6 डालने पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आ रहा है, और 9 प्लस 6 15/5 3 आ रहा है। और ऐसे देख के थोड़े ही हम लोग इसको सॉल्व करके देख लें, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 25 टाइम्स x प्लस 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 25x माइनस 7x प्लस 81 माइनस 75 विच इज 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, 25 का स्क्वायर रूट बाई 2 1 और 6, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर इतना 2 आंसर आया। चेक करके देख लीजिए कौन सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 10/5 2, मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, एक x इक्वल टू 1 पे भी और एक x इक्वल टू 6 पे भी, 1 को भी सेटिस्फाई हो रहा है, 10/5 2 एंड 3 प्लस 1 4/5, यानी ये दो जगह इंटरसेक्शन है। इसको थोड़ा सा जेंटल स्लोप कर देते हैं ऐसे, और ये इस तरह से ऊपर उठेगा और फिर इंटरसेप्ट करके ऐसे चला जाएगा, और ये फिर ऊपर चला जाएगा। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 6 पे। तो लाइन से नीचे कर्व से ऊपर के बीच में जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है यही एरिया हमको निकालना है, दिस वन। इधर का ग्राफ को भी ऐसे बना दें, उसी का मिरर इमेज। चलिए वंस द रीजन इज डिफाइंड अब एरिया निकाल सकते हैं। अब देखें एरिया कैसे निकालेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे रीजन को, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे
तो इस रीजन में जो वर्टिकल स्ट्रिप होगा उसका एक छोर इस लाइन पे है और दूसरा छोर इस कर्व पे है, और इस रीजन में जो वर्टिकल स्ट्रिप्स होगा उसका एक छोर इस कर्व पे है और एक छोर लाइन पे है। यानी हम इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे तो x प्लस 9 बाई 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इतना टाइम्स dx लिखेंगे, इंटीग्रेटेड फ्रॉम x इक्वल टू माइनस 3 टू x इक्वल टू 1। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमको ये वाला पॉइंट भी चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम फिर से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 1 बाई 5 टाइम्स x प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ x प्लस 3 इस कर्व के साथ निकालेंगे। करते हैं फिर से सॉल्व, x प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 25 गुने माइनस साइन होगा। अब x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 25 43x प्लस 81 प्लस 75 इक्वल टू 0 156। x इक्वल टू माइनस 43 प्लस माइनस 43 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 156 बटे 2 करके देखते हैं, 43 इंटू 43 4 इंटू 156 150 इंटू 4 600 हो गया और 624 1849 माइनस 624 1225 हो गया, तो ये 35 आ गया। तो माइनस 43 प्लस माइनस 35 बाई 2, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है वे भी आ रहा है बहुत दूर है, एक माइनस 43 प्लस 35 माइनस 4 आ रहा है, तो ये नंबर है माइनस 4। तो दूसरा नंबर जो हम लोग निकालेंगे ना उसको डाल के देखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से इस ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है। एक्चुअली इसको कंप्लीट कर दीजिएगा ना, हम जब स्क्वायर कर दिए तो पूरा ग्राफ कंप्लीट कर दिए, तो वही जाकर के इसको जहां इंटरसेक्ट करेगा वो दूसरा नंबर आ रहा है, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। और तब अब हम सेकेंड वाले रीजन का एरिया के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, माइनस 4 से लेकर माइनस 3 के बीच में x प्लस 9 बाई 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x माइनस 3 dx ऐसा लिखे। अब फिर दोनों को अलग अलग निकाल के i1 i2 या a1 a2 और दोनों को ऐड करें, एक बार चेक कर लीजिए कि आप इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं। हम इसको करके देखते हैं, 1 बाई 5 टाइम्स x प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2, हम एक ही साथ ले लिए, आप अलग अलग भी कर सकते थे x स्क्वायर प्लस 9x, पर हम एक ही में कर दिए, x प्लस 9 का होल स्क्वायर बटे 10 माइनस, ये हम रूट x इमेजिन कर रहे हैं x टू द पावर हाफ, तो ये माइनस x माइनस 3 टू द पावर 3 बाई 2 बटे 3 बाई 2 एक बटे माइनस 1 तो प्लस इतना। तो इस पूरे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फंक्शन खोज लिए, और अब माइनस 4 से माइनस 3 दैट विल बी द आंसर। x के जगह माइनस 3 डालें तो ये 36 बाई 10 हो गया, प्लस x के जगह माइनस 3 डालिए ये 0 हो गया। अब हम x के जगह माइनस 4 डालेंगे, 9 माइनस 4 25 बाई 10 हो गया, माइनस 4 डालिएगा तो ये 4 माइनस 3 1 3 पावर 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 हो गया। इसी तरह से हम लोग a1 भी निकाल के और ऐड करेंगे, एक सर्कल का एरिया निकालते हैं। आर रेडियस का एक सर्कल दिया है, एरिया निकालिए, दैट्स द क्वेश्चन। तो हम क्या किए कि सर्कल के सेंटर पे ओरिजिन रख करके एक रेफरेंस फ्रेम चुन लिए हैं x एक्सिस y एक्सिस,
ये सवाल भी नहीं दिया है, वो हम बना रहे हैं। अब हम सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं क्योंकि हम सोचे हैं कि अगर ये एरिया निकाल लें तो उसको चार से गुणा कर दें, और ये एरिया निकालने के लिए हमको वाई चाहिए। इस कर्व पे लाई करने वाला हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ संबंध चाहिए। तो इस सर्कल का इक्वेशन है, अगर इसका रेडियस आर है तो कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर एक्स कॉमा वाई कहें एनी पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फिक्स्ड है आर। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर रूट अंडर, यही होगा कंडीशन सेटिस्फाइड बाई एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस कर्व। तो ये सर्कल का इक्वेशन कहलाता है। अब हमको वाई कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस करना है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, हम सिर्फ प्लस ले लेते हैं, तो हमको ये हाइट निकल गया और इतना टाइम्स डीएक्स इस स्ट्रिप का एरिया निकल गया। इसको इंटीग्रेट कर दें, एक्स वैरीज फ्रॉम जीरो टू एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो स्ट्रिप है उसका ऊंचाई आर है, एक्स इक्वल टू आर पे जो स्ट्रिप है उसका ऊंचाई जीरो है, इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें चार से, तो हमको निकल जाएगा सर्कल का एरिया जो कि आना चाहिए पाई टाइम्स आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग को करने आता होगा तो बन जाएगा सवाल। हम पुट कर रहे हैं x के जगह r साइन थीटा और dx के जगह r cos थीटा d थीटा, तो ये r cos थीटा रह जाएगा और dx के जगह r cos थीटा, तो इंटीग्रांड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x बराबर जीरो डालिए तो साइन थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो, और x की जगह r डालिए तो साइन थीटा बराबर वन यानी थीटा बराबर पाई बाई टू, यही होगा r। और ये इंटीग्रेशन हम कर लेंगे वन प्लस cos टू थीटा बटे टू, टू आर स्क्वायर वन प्लस cos टू थीटा डी थीटा जीरो टू पाई बाई टू। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वन का एंटी डेरिवेटिव थीटा, cos टू थीटा का एंटी डेरिवेटिव साइन टू थीटा बटे टू जीरो टू पाई बाई टू, इसमें डाली थीटा की जगह पाई बाई टू, तो पहला टर्म होगा पाई बाई टू प्लस साइन पाई विच इज जीरो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जीरो डाली है जीरो, तो पाई बाई टू टाइम्स टू आर स्क्वायर एंड यू गेट द एरिया ऑफ द सर्कल पाई टाइम्स आर स्क्वायर। जो हम लोग क्लास टेंथ में रखते थे ना सर्कल का एरिया इतना होगा, आज हम लोग प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। चलिए कुछ और सवाल बनाते हैं। ये y बराबर e टू दी पावर x एक कर्व का इक्वेशन दिया है और एक y बराबर e कांस्टेंट फंक्शन e हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। ये है y एक्सिस को कट करता है एट पॉइंट वन और e का वैल्यू वन से बड़ा नंबर है 2.718, तो इसलिए थोड़ा ऊपर है। So the y-axis, this curve and this line से जो bounded region है उसी का area निकालना है, चार option है। अगर हम इसको vertical strips में subdivide कर दें तो strip का एक छोर का ऊंचाई है e और नीचे वाले छोर का ऊंचाई है, अगर x position पे ये strip बनाए हैं तो ये ऊंचाई है e टू द पावर x, e माइनस e टू द पावर x इसका लंबाई हो गया इनटू dx, e माइनस e टू द पावर x टाइम्स dx, और इसी का एरिया हम लोग ऐड कर दें x वैरीज फ्रॉम x इक्वल टू जीरो से लेकर के इस स्थान तक, वो ढूंढ ले कहां पे इंटरसेक्ट करता है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, e टू दी पावर x बराबर e यानी x बराबर वन, x इक्वल टू वन, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वन है और y कोऑर्डिनेट e,
जीरो से लेकर वन तक एरिया, इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लें ई एक्स माइनस ई टू पावर एक्स। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव खोज लिए, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम यूज कर रहे हैं, एक्स की जगह वन डाले ई माइनस ई जीरो हो गया और एक्स की जगह जीरो डाले जीरो माइनस ई टू पावर जीरो इज वन माइनस वन, तो जीरो माइनस माइनस वन वन, इसका एरिया हो गया वन। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। और यहां देखिए, यहां लिखा है ln y dy, y varies from 1 to e, मतलब इसको अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में हम लोग सब डिवाइड करते हैं तब देखते हैं एरिया का एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में बांटे हैं, y ऊंचाई के कोई एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप का जो एक छोर है उसका x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू जीरो, जो दूसरा छोर है इसका x कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा। जब इस इक्वेशन को हम x बराबर लिखेंगे y के टर्म्स में ln y, तो ये ln y है x कोऑर्डिनेट और ये जीरो, तो इस स्ट्रिप का जो लंबाई हो गया वो ln y माइनस जीरो, एरिया हो गया इतना टाइम्स dy। और इसको इंटीग्रेट कर दें, y वैरीज फ्रॉम y इक्वल टू वन से लेकर के y बराबर e हाइट तक वैरी करेगा सारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, यानी हम इसी एरिया को ऐसे भी लिख सकते थे, इसका आंसर भी वन ही आएगा। चेक करके देखते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यूजिंग पार्ट्स, वन को मान रहे हैं एक फंक्शन, y टाइम्स ln y माइनस इंटीग्रल ऑफ y टाइम्स ln y का डेरिवेटिव विच इज वन डी वाई माइनस y। ये एक स्टैंडर्ड टेबल के रूप में भी हम लोग लगते हैं ln x फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, इसका डेरिवेटिव जैसे 1 बाई एक्स रखते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव भी हम लोग टेबल में लिख के रख लिए थे x टाइम्स ln x माइनस वन। इसमें न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम लगा रहे हैं, y की जगह e डालें, e ln e का वैल्यू 1, 1 माइनस वन जीरो, तो पहला टर्म जीरो हो गया, y की जगह 1 डालें ln 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस 1 आंसर इज 1, तो ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट हो गया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ही प्रॉपर्टी था, ए से बी के बीच में जब आप एरिया निकाल रहे हैं इसी ग्राफ के नीचे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू बी, इसका वैल्यू को अगर हम आई कहें, एक ही प्रॉपर्टी था कि इसमें एक्स की जगह अगर आप आर्ग्यूमेंट बदल दीजिए ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दीजिए, अब वो फंक्शन बिल्कुल भिन्न होगा, उसका ग्राफ भी भिन्न होगा। इनफैक्ट एफ एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा ए से बी के बीच में, जब आप एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का ग्राफ बनाइएगा, तो इसी ग्राफ को अगर हम लोग एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू लाइन के अबाउट रोटेट करके मिरर इमेज जैसे, अब ये ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। सो दिस टू इंटीग्रांड्स आर डिफरेंट बट द एरिया विल डेफिनेटली बी सेम, दिस एरिया will be equal to this area. So, we can see this and we can analytically prove that this is equal to this. We did a substitution, a plus b minus x to t1, so this f of t mein convert, this dt mein, and limits, it's a very large. So, this equals this. So, if this area represents this, so this is same as this. यहाँ y के जगह a प्लस बी माइनस वाई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस सवाल में हम sin x फंक्शन और cos x फंक्शन से बाउंडेड जो एरिया होगा
रीजन जिसके एक तरफ साइन कर्व हो, एक तरफ कॉस कर्व हो, वो x इक्वल टू जीरो से लेकर के x इक्वल टू 3π/2 के बीच में ही खाली देखना है। तो x इक्वल टू जीरो लाइन और x इक्वल टू 3π/2 में साइन कर्व यहाँ पे आकर के रुक दीजिए और कॉस कर्व यहाँ शेड कर दिए। यही रीजन का एरिया पूछना है। एरिया बाउंडेड बाय द साइन कर्व एंड द कॉस कर्व ड्यूरिंग द इंटरवल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3π। जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स पूछते हैं ना, तो आंसर कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता और नहीं जीरो, हमेशा पॉजिटिव। एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस पूछते हैं तब एरिया का आंसर नेगेटिव भी आ सकता। यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां भी एक परपेंडिकुलर। कुछ इंटरेस्टिंग बात दिख रहा है, ये एरिया दोनों बराबर है, ये एरिया और ये एरिया सब बराबर प्राप्त है। तो कोई एक ठो निकाल और उसको चार से गुना करते हैं, एक ठो ये वाला। जब ये एरिया निकाल रहे होंगे, पतला पतला स्ट्रिप्स में बांटिएगा, उस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों में जो ऊपर हो इस एक्स पोजिशन पे यहां से वहां तक हर जगह साइन कर्व कॉस कर्व से ऊपर है। इस रीजन का एरिया निकालना हो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स इक्वल टू पाई बाई टू टू पाई, ये एरिया निकालिए। एक ही निकाल लेते हैं इस रीजन का, उसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वर्टिकल स्ट्रिप का हाइट, तो प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स करके जीरो से पाई बाई फोर तक इसको चार से गुना कर लेते हैं, एक दो तीन चार, इतना आंसर होगा। पहला काम तो यही होता है कि हम वो इंटीग्रांड बना लें प्रॉपरली जो उस रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करे, तब फिर न्यूटन एग्रीड्स थे माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हम माइनस को इंक्लूड कर लें तो हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को अलग सकते पाई से पाई बाई टू, एक्स की जगह पाई बाई टू डालें तो वन आएगा, और एक्स की जगह पाई डालें cos pi is minus 1, sin pi is 0, 1 minus minus 1, यानी पहला वाला टर्म का वैल्यू हो गया 2, दूसरा वाला sin x plus cos x, 0 से लेके pi by 4, जो भी फंक्शन लिखे हैं उसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। एक बार आप झट से चेक भी कर सकते हैं, pi by 4 डालिएगा 1 by root 2 plus 1 by root 2, it is root 2, और x की जगह जब 0 डालिएगा तो 1 आएगा, तो root 2 minus 1 times 4, plus 2, that is the answer, 4 root 2 minus 4 plus 2 minus 2, इतना square units area। ये एक एरिया निकालना है बाउंडेड बाय, ये डेफिनेशन को ध्यान से देखना होता है, रीजन को डिफाइन करें बाय दिस कर्व, एक कर्व के बारे में दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि कोई एक ग्राफ है, उस पर कोई भी एक पॉइंट है एक्स कॉमा f of x, वहां पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो 2x plus 1 है, हाँ मतलब divided dx at that point is equal to 2x plus 1, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा लास्ट चैप्टर कैलकुलस का वही होता है, हम किसी भी कर्व का इक्वेशन डायरेक्टली देने के बजाय मे बी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे dy/dx = y। डिफरेंशियल इक्वेशन से आप उस कर्व का इक्वेशन यूनिकली तो नहीं ढूंढ सकते हैं, एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसके लिए एक डेटा दिया रहता है। केवल आप डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, बस दो ही स्टेप करना पड़ता है, जो इक्वेशन मिलता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन मिलता है, यूनिक नहीं। लेकिन साथ में हम एक डेटा दे दिए हैं कि हमारा कर्व x = 1 जब हो तो y का वैल्यू 2 होना चाहिए, यानी मेरा कर्व शुड पास थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अनगिनत कर्व, वो सारा कर्व पैरेलल है, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सी का वैल्यू दीजिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनेगा, उनमें से कौन? तो आपको डेटा दिए हैं कि मेरा कर्व 1, 2 पॉइंट से पास करना चाहिए, या तो ऐसे लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ वाई फॉर x = 1 = 2, यानी x का मान जब 1 हो तो y का मान 2 होना चाहिए। अब हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे तो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का एक यूनिक वैल्यू ले आएंगे, x की जगह 1 डाली, y की जगह 2, c का वैल्यू 0 आ गया, यानी हमको ये इनडायरेक्ट तरीका से कर्व का इक्वेशन दिया होगा। अब क्वेश्चन कहता है एरिया निकालिए बाउंडेड बाय दिस कर्व, दी एक्स एक्सिस y = 0 एंड x = 1, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक कर्व, एरिया निकालना है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि इस कर्व का चित्र बना रहे हैं, पैराबोला होगा, एक स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर, नेगेटिव होगा तो मुंह नीचे, ये y = x² पैराबोला के शक्ल का होगा। हाँ, लेकिन ये रिलेशन का चित्र एक पैराबोला बनता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन साथ में कुछ अगर और लीनियर टर्म्स ऐड कर दिया जाए तो वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया। ग्राफ कैसे बनना चाहिए? पहले इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मूव होना चाहिए, y = 0 डालिएगा, x² + x = 0, x (x+1) = 0, x - 1, 0, दो जगह x एक्सिस को कट करता है, एक -1 पे और एक 0 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट करता है? x = 0 डाल दीजिए तो y इंटरसेप्ट निकल जाता है, y = 0, सो दिस इज द ग्राफ, इतना जल्दी बन जाता है। अब x = 1 लाइन ये है, x एक्सिस और ये कर्व, ये तीनों मिल करके जो एरिया घेरता है रीजन, वो एरिया निकालना है। एक अब आसान है, हम इसको पतला पतला वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे, ईच स्ट्रिप का एक छोर x एक्सिस पे है यानी y = 0 हाइट पे है, और एक छोर y = इस हाइट पे है, तो इसका वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया होगा x² + x - 0 dx, इंटीग्रेट करना है x = 0 से लेकर के x = 1 तक, बस दो कर्व का इक्वेशन दिया है y = √(1 + sin x / cos x), y = 1 - sin x / cos x का स्क्वायर रूट, और x = 0 और x = π/4, दो वर्टिकल लाइन, एक रीजन होगा 0 से लेके π/4 के बीच में, इस कर्व का अगर हम चित्र बना पाए, कोई चित्र इधर इसका भी, तो एक ऐसे रीजन का बात कर रहा है जिसका बाउंड्रीज डिफाइंड है, x = 0, x = π/4, एक तरफ वो कर्व, एक तरफ ये कर्व, फिर भी एक
चित्र जब तक नहीं बनेगा ना, कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। माने अगर कोई ऐसा चित्र बनता है, ऐसा तो बनेगा नहीं, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ये एरिया नहीं निकालने बोल रहा, क्योंकि ये रीजन का फिर वो डिफाइन जो डेफिनेशन दिए हैं उसको मैच नहीं कर रहा। वो रीजन ऐसा बनना है जिसका एक तरफ का बाउंड्री ये कर्व हो, वाई वन एक वाई टू, एक तरफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइन और एक तरफ एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन। माने कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस रीजन में जो चित्र बनने वाला है दोनों का, एक कुछ ऐसा बन नहीं वाला। इन दोनों में से कोई एक है जो हमेशा ऊपर रहेगा, कोई एक है जो हमेशा उसके नीचे रहेगा। अब जीरो से पाई बाई फोर के बीच में बात हो रहा है तो ज्यादा मुश्किल नहीं समझना कि जीरो से पाई बाई फोर के बीच में ये बड़ा है उससे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम दिख रहा है और न्यूमरेटर में ये बड़ा नंबर दिख रहा है उससे। तो इसका वैल्यू फॉर एनी एक्स बिटवीन जीरो टू पाई बाई फोर, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, तो इससे तो छोटा ही दिख रहा है। कोई भी बैलून डाल के देखें, यानी कि इसका चित्र जो है निश्चित रूप से एट एवरी पॉइंट ऊपर होगा। वाई वन कह रहे हैं इसको और इसको वाई टू कहेंगे, वाई वन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आसान हो गया। अब एरिया निकालने में दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कौन ऊपर कौन नीचे, तभी आप एरिया ऑफ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बिटवीन टू कर्व्स वाई वन एट पोजिशन एक्स, वाई वन माइनस वाई टू इंटू डी एक्स की वाई टू माइनस वाई वन इंटू डी एक्स। नाउ इट इज क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ये हुआ एरिया का एक्सप्रेशन। रीजन तो ऑलरेडी डिफाइंड है जीरो से लेकर पाई बाय फोर। हम लोग से जो ऑप्शन दिया है उसको देखना जरूरी है। हम तो नहीं कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करके न्यूटन लेबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई कीजिए और आंसर लाइए। इरेशनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, कुछ कठिन नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। चार ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन को जरा गौर से देखिए। इंटीग्रांड अलजेब्राइक दिया है, मतलब क्वेश्चन में हम चाह रहे हैं कि आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसको अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्म करें और इसको देख करके वहां जाना है। लिमिट्स भी तब डिफरेंट हो जाएगी, जीरो से पाई बाई फोर के बजाय कुछ और होकर सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। यहां जो लिमिट्स दिख रहा है ना, वो कुछ आइडिया दे रहा है सब्स्टिट्यूशन के। रूट टू माइनस वन टेन ऑफ पाई बाई एट का वैल्यू, यानी 45 डिग्री का आधा, 22.5 डिग्री का टेन, वो रूट टू माइनस वन होता है। और टेन ऑफ 3 पाई बाई एट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 67.5, ये 45 है, उसका जो आधा है वो 22.5 डिग्री होता है। इधर से 22.5, उधर से 22.5, ये 67.5 डिग्री। रेडियंस में दिस इज पाई बाई फोर, पाई का आधा पाई बाई टू, और पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर, और उसका आधा ये पाई बाई एट है। और ये पाई बाई एट प्लस पाई बाई एट प्लस अनदर पाई बाई एट इज 3 पाई बाई एट। ये दोनों एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाई बाई एट और 3 पाई बाई एट। इसका टेन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 बाई रूट टू माइनस 1, जिसके नीचे रैशनलाइज करने को रूट टू प्लस 1 लग जाता है। तो इसको देख के हमको लग रहा है कि ये tan of x by 2 बराबर t सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब लिमिट्स मैच कर जाएगा। हम इस पूरे इंटीग्रांड को सम फंक्शन ऑफ t dt में लाएंगे। x का वैल्यू जब 0 होगा तो t का वैल्यू tan 0, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू जब पाई बाई 4 हो रहा
तो t का वैल्यू tan ऑफ pi बाई 8 होगा यानी रूट 2 माइनस 1, उसको देख करके सोच रहे हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्म करना होता है, दो ही तीन केस था कि सम फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स जैसा दिखे, रैशनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर टी को कीजिए तब जब कॉस एक्स दिखे, या रैशनल फंक्शन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स दिखे तब कॉस एक्स बराबर टी को कीजिए, दिस वाज कैटेगरी वन। और रैशनल फंक्शन ऑफ टैन एक्स दिखे डी एक्स तो टैन एक्स बराबर टी को कीजिए, और ये दोनों में से कुछ ना दिखे तो टैन ऑफ एक्स बाई टू बराबर टी को कीजिए। तो tan x by 2 बराबर t को करके देखते हैं, तो sin x के जगह 2t by 1 plus t square, cos x के जगह 1 minus t square by 1 plus t square, ये याद हम लोग रखना जरूरी है। पहला वाला टर्म हम एक जगह जमा करें, डिनोमिनेटर हो जाएगा t square plus 2t plus 1, डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, तो बचेगा एक 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी रूट। यहां टी 1 से छोटा नंबर है क्योंकि एक्स यहां पाई बाई 4 से छोटा नंबर है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर एक्स है, ये एंगल 0 से पाई बाई 8 के बीच में, टेन का जो वैल्यू होता है 0 से पाई बाई 8 के बीच में, पाई बाई 4 पे जाकर के टेन का वैल्यू 1 होगा, 0 से पाई बाई 8 के बीच में टेन का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहता है, सो टी हियर इज अ नंबर विच इज लेस देन 1, और उसको सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी बटे 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी कैंसिल आउट होगा 1 माइनस टी ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी रूट अंडर। अब इसको हम यहां पुट करें इंटीग्रांड, देखें क्या आता है, ये तो 0 से लेकर रूट टू माइनस 1 हो जाएगा, और ये रूट 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी माइनस रूट 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी, और dx की जगह 2 dt टी बाई 1 प्लस टी, ये सब रटा हुआ रहेगा तो जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। इसको कंपोज करें, न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट 1 प्लस टी इंटू रूट 1 प्लस टी, 1 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 टी बच गया न्यूमरेटर में, 2 टी और 2 4 टी, एंड डिनोमिनेटर में दिस इनटू दिस हो गया रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, एक 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 0 टू रूट 2 माइनस 1, एक ऑप्शन अब मैच करना। चलिए आज के लिए समाप्त।